स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत भाषा, राजभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें आज इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा शब्द की मूल क्रिया भाष है। भाष का अर्थ है बोलना या कहना होता है। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि चिन्हों से नहीं होती। मदद के लिए हम इंगित का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मुखाकृति, नयनों के भाव, हाथों का संचालन आदि। इंगित की सहायता के बिना वाणी अभिव्यक्ति में अपूर्ण रह जाती है। परिभाषा, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। भाषा के मुख की कंठ, तालु आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई वह ध्वनि है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के तीन पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, सामान्य, सर्वव्यापी। बोली, यहाँ देखिए बोली, शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न या प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली जाती है। उसकी अपनी भाषा की विशेषता दूसरों से भिन्न होती है, परंतु एक व्यक्ति की भाषा सदा एक रूप नहीं होती। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती हैं। प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना बहुत कठिन है। बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्र रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। जब बोली किन्हीं कारणों से महत्व प्राप्त कर लेती है तो क्या कहलाना की भाषा कहलाने लगती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए विभाषा, ठीक है, या उपभाषा, इसे उपभाषा भी कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली आदि विभाषा। अब आती है मातृभाषा। क्या की है? मातृभाषा जो जिस प्रांत का होता है उसके माता पिता, विशेषकर माता जो बोली बोलती हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। भारत में बोलियों के अलावा 15 भाषाएं प्रमुख हैं जो वहां के संबंधित निवासियों की मातृभाषा। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, समिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, ये प्रमुख मातृभाषा है। इनको संविधान में भी स्थान प्राप्त है। प्राय इन सभी भाषाओं में साहित्य की रचना की गई है, इसलिए इन्हें भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आता है राजभाषा। क्या आती है? राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, पर इनमें सामान्य और पारिभाषिक शब्द भिन्न है। अंग्रेजी में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात भारतीय संविधान की भाषा है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया है। 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं आती हैं। सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज किसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कार्य के दिन है, रेडियो, दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आहिंद
लेकिन अहिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय तक के लिए रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को समान सम्मान मिलता है, लेकिन वहां संपर्क की एक ही भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के विभिन्न प्रदेश अपने प्रदेश में अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जहाँ संपूर्ण राष्ट्र का प्रश्न आता है वहां भी अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्र चिन्ह। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम इसी भाषा से उस व्यक्ति समाज देश का व्यक्तित्व झलकता आता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रमुख कारण यह है कि देश में इसके बोलने वाले 52% से अधिक है। यही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में समझी जा सके। देश के 7 हिंदी राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी का उद्भव संस्कृत परंपरा से जुड़े होने के कारण सम्मत आचार्य परिवार की प्रांतीय जो भाषा शब्दावली हिंदी से जुड़ी प्रतीत होती है। अब देखिए यहां पर जो मुहावरे दिए हैं और ये जो मुहावरे हैं क्या कहलाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये ऐसे छोटे वाक्यांश हैं जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार और विलक्षणता आती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अतः इसका स्वतंत्र प्रयोग न होकर वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होने पर ही इसका सही उपयोग हो सकता है। इसका सामान्य अर्थ न लेकर इसके गुण, अर्थ या व्यंजना से अर्थ समझना चाहिए। इसका उपयोग करने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मुहावरे को पढ़कर उसमें छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसी के अर्थ से मिलती जुलती घटना या बात को चुनकर संक्षेप में लिखना चाहिए। मुहावरे को उसी वाक्य में लिखकर उसी कार्य प्रक्रिया को रख देना चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुहावरा प्रयोग करने से अनेक रूप में ले सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे के मूल अर्थ में ही उसका प्रयोग नहीं होता, जैसे अंगारों का पैर रखना, संकट में पड़ जाना, IAS की परीक्षा में बैठना और सफलता पाना अंगारे पर पैर रखने जैसा। अंगारे का पर पैर रखने में जितना कष्ट होता है उतनी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में और परीक्षा उत्तीर्ण करने में। यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ प्रयोग क्रमशः दिए जा रहे हैं। पहला, अपना गुरु सीधा करना, तो अपना मतलब सिद्ध करना। ममता मेरी हिंदी की कॉपी ले गई, उसने अपना सीधा तो कर लिया पर मैंने इतिहास की किताबें मांगी तो मना कर दिया। दूसरा, अपने पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। परीक्षा के समय वह रोजाना दिन में सो जाती थी, मानो उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए। अंधे की राखी, एक मां सहारा और आगे से अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की राखी है। अंधेरे का एकमात्र दीपक शर्मा जी के अंधेरे घर का उजाला। अकल चकराना, विस्मित होना या बात बन आना। राम बाबू के निधन का समाचार सुनकर तो अकल चकरा गई। अलग अलग खिचड़ी पकाना, सबसे अलग अलग संगीता और अनुराधा, दिन भर न जाने के अपनी अकल अलग अलग खिचड़ी पकाती रहती है। अनुराग उगलना, कटु वचन बोलना, दीदी या तो बोलती नहीं या बोलती है तो अंगार उगलेगी। अगर मगर करना, टालने का प्रयत्न करना, भाभी से जब भी कमला की शादी की बात करो तो वे अगर मगर करने लगती है। अंग में ढीला हो जाना, थक जाना, ऑपरेशन होने के बाद तो ऐसा लगता है अंग ढीले हो गए। अंकुश देना, वश में रखना, पिताजी तीन लड़कों पर सदैव अंकुश दिए रहते, ये मुहावरे। अपने मुमिया मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना और हमेशा अपने मुमिया मिट्ठू बना रहता। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं की हानि करना। रश्मि पढ़ाई अधूरी छोड़कर चली गई, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी।
मंजूरी से गाड़ी करके मैंने अपना गला फंसा दिया। अंधे को दिया दिखाना, मूर्ख को उपदेश देना, गांव वालों से कौन शिक्षा की बात करना, अंधे को दिया दिखाने जैसा है। अंतर का पैर होना, दृढ़ निश्चय से जम जाना, राजी को अंगद के पैर की तरह जम गया। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना, रानी से काम करने को कहा, तो अंगूठा दिखाकर बार गई। अकुल के घोड़े दौड़ाना, अटकने लगाना, जब मांगा से पूछा कि शक्ति ऋषि कहाँ है, तो वह अकुल के घोड़े दौड़ाने लगे। आकल मंत्री दुम बनना, मूर्खों का बुद्धिमान की बात करना, कमल व्यवसाय के बारे में कुछ समझता तो नहीं, फिर भी अकल मंत्री भी दुम बना रहता है। ये है मुहावरे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है लोकोक्ति, यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं लोकोक्ति। मनुष्य का जीवन अनुभवों से भरा है, कभी कभी एक ही अनुभव कई लोगों को होता है और उनके मुख से जो बातें निकलती हैं वे प्रसिद्ध होकर कहावत बन जाती। लोक धन उक्ति, लोकोक्ति लोगों द्वारा कहा गया कथन है। ये लोकोक्तियां प्राय नीति, व्यंग, चेतावनी, उपालंब आदि से संबंधित होती है। अपनी बात की पुष्टि के लिए लोग लोकोक्ति का सहारा लेते हैं। कभी कभी बिना असली बात कहे हुए भी लोग लोकोक्ति बोल देते हैं और लोकोक्ति और वास्तविक अर्थ प्रसंग से समझ लिया, तो ये है लोकोक्ति, लोकोक्ति या कहावतें। इस पर इसी प्रकार कुछ जो लोकोक्तियां हैं और उनके अर्थ यहाँ इस प्रकार भी है। पहला, अपना हाथ जगन्नाथ अपने हाथ से काम करने में ईश्वरी शक्ति है। दूसरा, अपने मरे सरल दिखता है, स्वयं कार्य करने से ही काम बनता है। अपने लड़के को पाना पूर्ण है, अपनी वस्तु सभी को सुंदर लगती है। अपना दाम कोटा तो परखैया क्या करें, जब स्वयं में दोष हो तो दूसरे भी बुरा कहेंगे। अपनी करनी पार करनी, अपनी ही परिश्रम से सफलता मिलती है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी ही बातों को महत्व देना। अपने ही शालीग्राम डब्बे में नहीं समाते, जो अपना ही काम पूरी तरह नहीं कर पाता और दूसरों की क्या मदद करेगा। अंधे पीछे कुत्ता फैसला समझ के कामों का लाभ चतुर उठाते हैं। अतिशय रगत करे जो कोई, अनंत प्रगट चंदन ते होई। अधिक परिश्रम से कठिन काम भी सिद्ध होते हैं, या अधिक छेड़ने से शांत पुरुष भी गर्म जाता है। जब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुप गई थे, थानी होने से पहले रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तृतीया है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मन चाही वस्तु देने से और कुछ नहीं चाहिए। अकल बड़ी या भैंस, यानी वयस या उम्र, उम्र के बड़प्पन से जो बुद्धि है, उम्र के बड़प्पन से बुद्धि की श्रेष्ठता अधिक अच्छी है। आए थे हरि भजन को मटन लगे कपास, ऊंचे उद्देश्य की तैयारी करके साधारण काम में जुट जाना। आम के आम, रोटलियों के नाम, किसी वस्तु से दोहरा लाभ होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, ना समझी धनी पुरुष जो ठगी में पड़कर हानि उठाता। आंख के अंधे, नाम नहीं से ऊंचा पद और प्रसिद्धि पाने पर भी उतनी योग्यता ना रखना। आधी रात खांसी आए, शाम से मुंह फैलाए, काम का समय आने पर बहुत पहले से चिंता करने लगना। आधा तेल आधा पानी, ऐसी मिलावट जो अनुपयोगी हो, इधर कुआ उधर खाई, दुविधा की स्थिति, दोनों तरफ से हानि की संभावना। ईश्वर देता है तो चक्कर फाड़ के, अकस्मात अत्यधिक लाभ होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अनुचित काम करके भी न दबना। उलट में सिर देकर मुसलों का क्या, एक बार फिर किसी मार्ग पर चल पड़ो तो फिर संकटों से क्या घबराना नहीं चाहिए। ऊसर में मूसर, व्यर्थी बीच में आना, एक सारे सब सदे सब सारे सब, एक सारे सब सदे सब साधे सब जा, एक ही काम मन लगाकर करना चाहिए। यदि निश्चय डिग गया तो सब नष्ट हो जाएगा। अकेला चना क्या भार पड़ेगा, अकेला व्यक्ति बड़ी योजना सफल नहीं बना पाता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई अपवित्रता के लिए संभव नहीं है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, एक के दुष्कर्म से सहकर्मी बदनाम होते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भी, कुछ व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। लालची व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं आता, काटते हुए निकम्मा आदमी किसी काम का नहीं। कर नहीं तो डर नहीं, बुरा कड़वा करेला नहीं कड़ा,
दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट की संगति मिल जाए तो वह और अधिक दुष्ट हो जाए। कहीं की ईद कहीं का रूड़ा, भान मनमति में पुनवा जुड़ा, बेमेल वस्तुओं या तथ्यों को समृद्ध करने का प्रयास करना। इस प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा भाषा, बोली क्या होती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके अलावा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, उनको मैंने पढ़ाया समझाया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करें। धन्यवाद।